कदम के पद पे किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्यों? मैडम उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है कि जिसके पीछे पूरा भारत दौड़ रहा है। क्वालिटी बताएंगे आप? हाँ मैडम, जरूर बताएंगे। हमारे हरिद्वार उत्तराखंड में किसी टाइम पर कांग्रेस जब थी तब मैंने 25 साल से देखा कुछ भी नहीं था, और जब से मोदी जी आए ना, ये हाईवे, फ्लाईओवर और ये मार्केट और कदम ऑन रोड, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं जिसके कारण हम मोदी जी को यहाँ पर जो है अपना भी समर्थन और हमारे परिवार का समर्थन भी मोदी जी को जो है। अभी जो हरिद्वार पर इतनी गंदगी दिख रही है उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए मैडम। सर देखिए मैडम, ऐसा है, मोदी जी थोड़ी करने आएंगे सफाई। सफाई तो यहाँ के जो मेयर है उनका काम है, ये सफाई व्यवस्थाएं देखना, जहाँ से जहाँ तक पूरी घाटों की सफाई और क्या नाम आपका प्लेटफॉर्म की सफाइयाँ, और जिस तरीके से हमारे पूरे भारत में फेमस है हरिद्वार, और इस दौरान जो है यहाँ की मेयर हुए और क्या नाम सफाई कर्मचारी हुए, इनकी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, अव्वलदार हुए, इन तरीके से देखना चाहिए इनको। अच्छा, अगर मोदी जी को हटा दे तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो मोदी जी के बराबर में आ सकती है? ऐसी कोई पार्टी मेरी नज़र में नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मैडम कांग्रेस का तो नाम ही खत्म हो गया, भूल जाइए मैडम अब। कांग्रेस का नाम खत्म हो? हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सत्य बात है मैडम। राहुल गांधी जी हैं मैडम, आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बलिवादी की, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आलू में से सोना उगा सकता हूँ, तो फिर मैडम आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस तरीके की होगी। तो राहुल गांधी जी तो नहीं बन? नहीं। केजरीवाल जी की बात करें मैडम? केजरीवाल जी की बात करें मैडम, वो तो खैर दिल्ली में सरकार की व्यवस्था उन्होंने किस तरीके से चलाई है तो वहाँ की जनता बताएगी, मैं नहीं आपको बता सकता। अभी वो जेल में है? हाँ मैडम जेल में है, ठीक है, पर जेल में रहने के बाद क्या रेस्पॉन्स जाता है ये वहाँ की जनता बताएगी। मैंने उनको फंसाया गया है, उन पर जितने आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं, मोदी जी केजरीवाल से डर गए हैं। नहीं मैडम देखिए ऐसा है, ये राजनीतिक सत्ता है, इसमें हर तरीके के जो भी उनके साथ पार्टी की व्यवस्था रही हों, मैं नहीं इस बात को कहना चाहूँगा कि उनके बीच में क्या घमासान चला हो जिसके कारण यहाँ की उनकी व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्था खराब हुई आम आदमी पार्टी की वजह से, ये मैडम मुझे जानकारी। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? मैडम बेरोजगारी तो मैडम चाहे कुछ भी है, मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ हमारे हम लोगों को, स्ट्रीट वेंडरों को, जो यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई कि हम अपना रोजगार कर सकें, और उन्होंने इतना बहुत अच्छी से किए हमारे यहाँ पे। आप इस साइड में जाएंगे ना मैडम, इस साइड में जाएंगे तो हम लोगों की खोखों की व्यवस्था की गई है, पर उसमें बस थोड़ा सा ना सफाई सुफाई की व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त है, बाकी हमारे लोगों के लिए चाहे कुछ भी है मोदी जी ने सोचा है, इनके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।